आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। के चार नोटबुक देते हैं और आधार कार्ड वगैरह कुछ मांगते नहीं, सिर्फ उनको इलेक्शन कार्ड मांगता है। वो काम तो हम नहीं करते, इलेक्शन कार्ड वाला तो राजेंद्र किनी ने कभी दिखाओ करने के लिए काम नहीं किया। जवान फिल्म दिखाने वाले में से नहीं, जवानों के लिए यहाँ पर रोजगार मिला हुआ। यहाँ पर 15 साल में जो आमदार को आमदार निधि मिला था उसका भी उसने यहाँ पर काम नहीं किया। अभी कोई भीड़ जमा होती नहीं यहाँ के आमदार के पास, इसके लिए वो बच्चे लोग को जमा करते रहता है। कितने लोगों के ऊपर तड़ी पार के गुने दाखिल हुए। कलवा में राम नाम जपमा और मुमरा का माल अपना, सोच बदलो, आमदार बदलो। आपकी ये वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि आमदार ने मुमरा में विकास की नैया बहाई है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रकाश। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम वली स्टेडियम पर और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है गेहूँ पीसने वाली जो छोटी मशीन होती है घरों में महिलाओं के लिए खास तौर पर, वो मशीन जो है यहाँ पर वितरित की जा रही है। श्रीकांत शिंदे के तरफ से वितरित की जा रही है। राजन किने, मोरेश्वर किने, अन्य तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। राजन दादा, क्या बताएंगे आज जिस तरह से गेहूँ पीसने वाली छोटी मशीन है जो घरों में रहती है महिलाओं के लिए, वो दिया जा रहा है? मैं ले। क्या बताएंगे इसके बारे में? महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री, कार्यक्षम मुख्यमंत्री, कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, जो कि निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से जो काम कर रहे हैं इस महाराष्ट्र सरकार में, आप देखेंगे कि आज यहाँ पर हमारी माता बहनों को जो उन्होंने पात्र हुए थे सिलाई मशीन और घर घंटी के लिए, आज यहाँ पर आप देखेंगे कि घर घंटी का वाटप हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा दिखावा का काम करते। कुछ लोगों ने कहा था यहाँ पर कि कलवा में जो भीड़ जमी की है वो ऐसा ही कुछ भीड़ जमाने के लिए, लोगों का ये कहना था कि कलवा में यहाँ से बस भर भर के लेके गए और फिर वहाँ पर उनको सामान नहीं मिला, वापस कर दिया गया, खाली भीड़ जुटाने के लिए जो है ये रखा गया था प्रोग्राम। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर वो प्रोग्राम था, वितरण का प्रोग्राम था, वहाँ पर ऐसा ये तो नहीं बांटा तो नहीं जा सकता सबको, इसके लिए वहाँ पर जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में हमारी माता बहनें जो आई थी वहाँ पर, उनको ये मार्गदर्शन करने का था कि ये सब चीज़ें जो आप पात्र हुए इसमें आपको यहाँ पर ये कॉरपोरेशन में आपको जो प्रभाग समिति है वो प्रभाग समिति में आपको वेरीफाई करेंगे, आपका आधार कार्ड जमा करके आपके आधार कार्ड के ऊपर बाकायदे लिख के देंगे आपको किस दिन देना है। और ये हम ऐसा नहीं है कि चार नोटबुक देते हैं और आधार कार्ड वगैरह कुछ मांगते नहीं, सिर्फ उनको इलेक्शन कार्ड मांगता है। वो काम तो हम नहीं करते, इलेक्शन कार्ड वाला। इलेक्शन कार्ड क्यों मांगने का, आधार कार्ड मांगो, बाकी कोई प्रूफ मांगो ना। चार नोटबुक देते इससे पहले और एक घर में एक ही बच्चों को देते, घर में तीन तीन चार चार दो दो बच्चे पकड़ो ना, तो दो बच्चों को दो देना मांगता है ना, दो सेट देना मांगता है, तो इन लोग सिर्फ चार बुक देते बच्चे लोग को। हम लोग इससे पहले बुक बांटते थे, हम लोग कभी किसी को इलेक्शन कार्ड मांगे नहीं ना, कभी हमने पैसा नहीं, फ्री में हमने बुक बांटा है। इससे पहले हम लोग ने मुमरा में हल्दी कुंकू का समारंभ किया है, महिला मेला हुआ किया है, रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम किया है। 15 साल में आप कोई आमदार नहीं देखा है इधर, यहाँ पर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम किया है? आप देखेंगे कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार है 26 जनवरी, 15 अगस्त, कभी यहाँ पर 15 साल में आमदार आया था? पिछले साल आया था 15 साल में। तो हम लोग ये जो चार नोटबुक बांटते ना उसके एवज में
इलेक्शन कार्ड मांगने वाले लोग नहीं है हम लोग इधर काम करने वाले, ये हमारा गांव है, ये हमारे मुमरा की जनता है। इसके लिए हमको क्या करने का हमको मालूम है, हम हमारी कर्तव्य भावना से यहाँ पर जो काम करते हैं ना, वो कोई इधर ऐसा दिखावा करने के लिए काम नहीं करता। राजेंद्र किन्ने ने कभी दिखावा करने के लिए काम नहीं किया। आपको एक बात बता दूँ, जवान फिल्म दिखाई उसको भी हम लोग जवान फिल्म दिखाने वाले में से नहीं, जवानों के लिए यहाँ पर रोजगार मेला हुआ, अभी 6-7 तारीख को रोजगार मेला हुआ है। आप रोजगार मेला में आइएगा, आपको दिखेगा हाईलैंड में जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज एकनाथ शिंदे साहब जो भावना से काम कर रहे हैं, निष्कान भजने भगवंत जोड़े हमारे खासदार साहब जो काम कर रहे हैं कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ पर 15 साल में जो आमदार को आमदार निधि मिला था उसका भी उसने यहाँ पर काम नहीं किया। वो तो अगले इसमें सवाल तो उठेंगे, बट जब जवाब मांगा जाएगा कि 15 साल में आमदार निधि का काम किधर है, वो तो सब मालूम देंगे। अभी सब पूरा माहिती का अधिकार आ गया हमारे पास, और कहां पर काम किया उसका पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे, जनता के सामने रखेंगे। और एक आपको बात बता दूं कि यहां पर जो कल महाराष्ट्र शासन अपलेदारी का जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में हमारे मुमरा के कम से कम 150-150 बचत गट थे, 100-150 बचत गट थे। वो माता बहनों को, वो भगिनी को हमारे अनुदान मिला है बचत गट को। फिर बहुत सारी हमारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये मिला, क्या जो बर्तन का किट रहता है वो मिला, कामगार किट। फिर वो कामगार जो थे काम करने वाले उनको कामगार किट मिला, कामगार में उसमें हथौड़ा है, छिन्नी है, जो भी कामगार को लगता है जिसका जिसका जैसा कौशल वो हिसाब से उनको ये मिला है साहित्य। ये तो ये ऐसा काम करने वाले एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब है, ये दिखावा करने के लिए कभी किसी को बुलाते नहीं ना भीड़ जमाने के लिए। इनको भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है, ये भीड़ तो ऑटोमेटिक इनके पास आ जाती है क्योंकि ये काम करते हैं। यहाँ पर आमदार को अभी कोई भीड़ जमा होती नहीं यहाँ के आमदार के पास, इसके लिए वो बच्चे लोग को जमा करते रहता है, अभी बच्चे लोग को खराब करने का काम चालू किए ले। आप कह रहे हैं आमदार कोई काम नहीं करते, लेकिन आपकी ही वीडियो जो है वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि आमदार ने मुमरा में विकास की नैया बहा दी है। अभी तो वो क्या मतलब नहीं, वो बराबर है आपका। अभी क्या मालूम है, क्या जिसके साथ में रहते हैं उसका वफादार तो होते हैं ना, तो ये आमदार तो हमको बोलता है कि मैंने जो काम नहीं किया उसके बारे में भी बोलो कि बाबा तुम मैंने काम किया ऐसा तुम कुछ बोलो। तो अभी उनके साथ में थे राष्ट्रवादी में, नहीं तो निधि नहीं दूंगा। निधि तो देता ही नहीं किसको, ये सिर्फ अपना नगर सेवक जो काम ये करते ब्लैकमेल का ही काम करते हैं। उसने क्या किया है 15 साल में, आप देखेंगे मुमरा वालों को कैसा ब्लैकमेल किया है उसने, कितने लोगों के ऊपर तड़ी पार के गुने दाखिल किए। अभी आप हमारे जो एमएम पार्टी के अध्यक्ष है सैफ पठान साहब, इनको तड़ी पार करने के बाद इनकी माँ का इंतकाल हो गया, उनको आने जाने में उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ये ऐसे आमदार है मुमरा के, अभी मुमरा वालों ने सोच लिया है, उन्होंने सोच लिया है कि सोच बदलो आमदार बदलो। यहाँ पर आज 350-350 चक्की का वितरण हुआ। यहाँ का आमदार का कैसा है कि कलवा में राम नाम जपमा और मुमरा का माल अपना। जो भी आवाज़ उठाया उनको लास्ट में तड़ी पार का नोटिस आता है। बोलो ना, बोलो बोलो। अरे क्या डरने का, हम लोग है ना अभी सामने, तुम डरते नहीं, बोलो। जो भी मुमरा में उनके खिलाफ आवाज उठाया तो उनका सीधा तड़ीपारी का नोटिस आ जाता है, वो आमद नेता हो नाज गोलंदाज हो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम हमारा काम करते जाएंगे। अभी कार्यक्रम में आप यहाँ आई थी, क्या कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, राजन दादा ने ये स्कीम यहाँ पे लाए, जो बेरोजगार महिला है उन लोगों के लिए काम दिए। यही मैं चाहती थी और मैं चाहती रहूँगी कि और काम आए हमारा और हम महिलाओं के लिए सुविधा दें। ये नहीं कि मुमरा में विकास करें बिल्डिंगें बांध बांध के, ये मुमरा का विकास हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन लोगों को ये देखेंगे कि जो गेहूँ पीसने वाली मशीन है वो दिया जा रहा है यहाँ पर श्रीकांत शिंदे के तरफ से। तो क्या नाम है आपका? शोभा परसे। क्या मिला है आपको ये? हाँ, ये मशीन मिला है हमको, घर घंटी, हम बहुत खुश है, धन्यवाद है। क्या करेंगे इसका घर? अभी हम लोग आटा पिसाएंगे, गेहूँ पिसाएंगे, घी पिसाएंगे, और दूसरे का भी मिला काम तो वो भी करेंगे, जैसे घर गुती हो गए हम लोग के हमेशा के लिए। हमको सरकार ने दिया है, राजन किन्ने साहब ने दिया है, हम बहुत उनका धन्यवाद मानते हैं। अभी बिजली का बिल कितना आ रहा है?
अभी क्या, अभी तो बहुत मिला था, अभी आगे देखेंगे। अभी तो अभी चक्की चलाएंगे तब तो और आ जाएंगे। हाँ तो और तो आने वाला ही है अभी बिल तो। रोज नहीं चलाना है ना चक्की, तो कभी कभी चलाएंगे ना, महीने में एक बार चलाएंगे। फिर या किसी का अभी तो ऑर्डर भी ले लेंगे, वो भी पीस के दे देंगे, वो भी काम हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, बाहर का भी कर देंगे। क्या क्या प्रूफ लिया गया था आप लोगों से? आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए थे, तो राशन कार्ड अभी मिला है। तो क्या जो नेता लोग दिए उनको क्या बोले? बहुत खुश है हम लोग, और उनको बहुत दुआ देती हूँ कि बस वो आगे बढ़े। बहुत आगे बढ़े, बहुत खुश है। पहली बार ऐसा हम लोग को मिला है चीज, इसके लिए बहुत खुश है हम लोग। इसके पहले कभी कुछ मिला नहीं हमको, इसके पहले कुछ भी नहीं मिला है, ये पहली बार मिला है। रहते हैं हम लोग सिद्धार्थ नगर में रहते हैं, हाँ लाल किले के बाजू में सिद्धार्थ नगर, उधर रहते हैं। हाँ भाई पहचान। क्या नाम है? मेहरबान। कहाँ रहते हैं? संजय नगर। आपको भी ये मिला है? हाँ हमें भी मिला है। क्या कहेंगे नेता? मैं राजेंद्र दादा का बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो आपने सुना कि तमाम महिलाएं हैं जो जिनको ये मिला है, गेहूँ पीसने की जो मशीन है वो दी गई है, और देखेंगे कि टेम्पो ले लेके लोग आए थे, टेम्पो में भरकर जो है ये लेकर जा रहे हैं जो